अफसोस तो नहीं है, आई एम प्राउड दैट आई मेड इट टिल योर इन द होल जर्नी। और मेरा प्राइज मनी लेने का एक कारण था कि मैं टॉप टेन में ही ऑप्शन दिया गया था कि यू कैन वॉक अवे विद द मनी ऑन। अदनान, श्रुति, दे ऑलरेडी हैव अ मिलियन फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, तो वो फॉलोअर्स वो सब का सोच के एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी, दिस माई फर्स्ट शो। तो वोटिंग के हिसाब से मैंने वो डिसीजन लिया कि आई थिंक दिस विल बी द राइट टाइम टू वॉक आउट विद द मनी। बसीर एंड लूसिंडा की केमिस्ट्री वॉज टू गुड बिकॉज दे वर एक्चुअली माई फेवरेट कपल इन द हाउस सिंस द सेकेंड डे। बहुत-बहुत स्वागत है जय मसाला में। वेल, आर यू हैप्पी दैट यू एक्चुअली वॉकड आउट और व्हाट इज इट कि अफसोस है इस बात का कि नहीं? नहीं, अफसोस तो नहीं है, आई एम प्राउड दैट आई मेड इट टिल योर इन द होल जर्नी। और मेरा प्राइज मनी लेने का एक कारण था कि मैं टॉप टेन में ही ऑप्शन दिया गया था कि यू कैन वॉक अवे विद द मनी ऑन। सो मुझे लग रहा था अंदर से कि आई कैन मेक इट टू द टॉप फाइव इन द हाउस, लेकिन फिर क्योंकि टॉप फाइव तक तो देर इज़ ओनली नॉमिनेशन, ये वो, ओनली द हाउस गेस्ट कैन वोट यू आउट। एंड वोटिंग के हिसाब से ही मुझे लगा मैं टॉप फाइव तक आ जाऊँगा, बट टॉप फाइव में देर वुड बी बसीर, अदनान, श्रुति, दे ऑलरेडी हैव अ मिलियन फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। तो वो फॉलोअर्स वो सब का सोच के एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी, दिस माई फर्स्ट शो। तो वोटिंग के हिसाब से मैंने वो डिसीजन लिया कि आई थिंक दिस विल बी द राइट टाइम टू वॉक आउट विद द मनी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट क्योंकि मैंने सही डिसीजन लिया मेरे लिए। और दो दिन पहले, लाइक फिनाले के दो दिन पहले आई वॉकड आउट, सो आई एम नॉट इवन डिसअपॉइंटेड कि आई डिडंट कम्प्लीट द होल जर्नी या जल्दी निकल गया से 5-6 हफ्ते में। आई कम्प्लीट द होल जर्नी एंड वॉकड आउट विद द मनी। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन फॉर मी। ओके, यू हैव बीन अ साइलेंट प्लेयर, यू नो, ऑडियंस नो यू एज अ साइलेंट प्लेयर, तो क्या ये कहा जा सकता है कि यू नो काइंड ऑफ सुमड़ी में घुमड़ी लेकर यू नो यू जस्ट लेफ्ट एंड बिकॉज़ दिस इज नॉट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड एंड स्टफ? हाँ, दैट्स देयर। सब फाइट करते थे ड्रामा एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु, मेरे को ड्रामा वामा करना बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक नेगेटिविटी एट ऑल। तो मैं झगड़े वगड़े में तो इतना लाइक जाता वाता नहीं था, किससे झगड़ा वगड़ा नहीं करता था। आई मेड माई ओन कनेक्शन, आई प्लेड माई ओन गेम साइड बाई साइड, टास्क वाइज अच्छे से परफॉर्म करता था। तो दैट वॉज बेसिकली माई थिंक। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं थी कि नो के जस्ट फेक योर पर्सनैलिटी इन द हाउस इन द स्टार्ट वीक, को लोगों को कुछ और लगे मैं कुछ और हूँ। मेरे को टीवी पे वो पता ही नहीं था क्योंकि दिस वॉज माई रियली रियल पर्सनैलिटी विच आई वॉज शोइंग ओवर देयर। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से खेला है गेम। आई वॉज अ फर्स्ट सेमी फाइनलिस्ट इन द हाउस और बहुत इट्स गुड, आई लाइक। अच्छा, बसीर और लूसिंडा की केमिस्ट्री इक्वेशन को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? यू नो यू बीइंग देयर इन द हाउस बिकॉज़ हम तो ऑन स्क्रीन ही देखते हैं, आप रहे होगे। बसीर एंड लूसिंडा की केमिस्ट्री वाज टू गुड बिकॉज दे वर एक्चुअली माय फेवरेट कपल इन द हाउस सिंस द सेकंड डे। और बसीर एंड लूसी आर लाइक माय बेस्ट फ्रेंड्स, आई लव देम अ लॉट, दे हैव बीन माय फेवरेट्स इन द सेकंड वीक, दैट्स ऑल आई नो। अच्छा, क्या बिकॉज ऑडियंस को लगता है कि यू नो दैट वाज फेक एंड ऑल ऑफ दैट, उसे लेकर कुछ कहना चाहोगे? फेक द कपल? नहीं, मुझे पता नहीं है कि ऑडियंस बाहर क्या देख रहे थे, बट इनसाइड द हाउस एंड ऑल ऐसे अगर आप घर पे रहते थे तो आपको बिल्कुल लगता नहीं था इट्स फेक, इट वाज ऑलवेज नेचुरल। एंड बसीर एंड लूसी लव्ड ईच अदर लॉट, लाइक इन द रूम, चाहे वो बाहर है, चाहे शूट हो रहा है नहीं हो रहा, दे वर द सेम। फेक तो कुछ नहीं था। या लूसी इज गुड, नहीं लूसी तो आई हैव ऑलवेज टेकन हर एज अ फ्रेंड ओनली एंड आई वाज ओके विद बसीर एंड लूसीज रिलेशनशिप, आई हैव टोल्ड देम दैट। सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं था मेरा लूसी के लिए, शी वाज गुड एज अ फ्रेंड, आई लाइक हर एज अ बेस्ट फ्रेंड। ओके, और बाकी भी दोस्त बनाए हैं आपने घर पे, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? दीपक के साथ किस तरह का इक्वेशन? दीपक के साथ तो सिंस फर्स्ट वीक तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था दीपक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ वीक तक एक्चुअली तेरे को पकड़ो, फिर वो शो के अंदर आया था, इन द फोर्थ वीक ही केम बैक बिकॉज ही हैड अ हैंड इंजरी एंड एवरीथिंग, देन ही केम बैक और फिर उसने अलग एक्सप्लोजन्स कर दिए थे घर पे बिकॉज ही सेड स्टफ अबाउट एवरीवन, उसने पूरी बुक खोल दी थी सबके बारे में एंड एवरीवन डिडंट एक्चुअली लाइक दैट, बट ही इज़ अ जेन्यून पर्सन, दिल से खेलता है, अच्छा प्लेयर है और लाइक उससे तो कोई लड़बड़ सकता नहीं था घर पे बिकॉज ही ऑलवेज हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ के बारे में और जो भी बोलता है वो सोच समझ के बोलता है, एवरीथिंग इज़ लाइक ऑन पॉइंट, वो ऐसे बनावटी चीज़ें बोलता नहीं है।
या दिखाने विखाने के लिए. दीपक इज गुड एज अ पर्सन, आई लाइक हिम राइट नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द शो. ओके, आपकी जर्नी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, यू नो क्या सीखा है 2-2.5 महीने की इस जर्नी में, और विकास गुप्ता का कितना शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? विकास गुप्ता का तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करने वाला हूँ, क्योंकि उनने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई है सिंस द फर्स्ट वीक इन द हाउस. मैंने बहुत चीज़ें सीखी है उनसे, और एक्सपीरियंस टू बी इन द हाउस वॉज एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग, क्योंकि घर पे रहना, एक कमरे में बंद रहना, यू एंटर द हाउस, यू मीट लाइक 18-17 स्ट्रेंजर्स, और मैं कभी मेरी फैमिली फ्रेंड्स से इतना दूर रहा नहीं हूँ, एक दो वीक के लिए भी रहा नहीं हूँ. यहाँ पे तो मैंने पूरा 2 महीने बिता लिए, तो इससे इवन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. और बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए मैंने यहाँ पे, और बहुत बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था एक्चुअली. यू कांट लाइक पुट द एक्सपीरियंस इनटू वर्ड्स ओवर, इट वाज एक्चुअली एब्सोल्युटली क्रेजी एक्सपीरियंस. ओके, लास्टली किसे चाहते हैं जो ट्रॉफी लेके निकले? मेरे हिसाब से तो इट शुड बी बसीर एंड श्रुति, दोनों. लाइक कोई भी एक नाम लेना हो तो मैं बसीर, आई सी बसीर एज अ विनर. फैंस से मैं ये कहना चाहूँगा, गाइज थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट लाइक पूरे शो के दौरान. दिस हैज बिन माई फर्स्ट शो, और इतना रिस्पॉन्स आप लोग का देखे, आई वॉज रियली मेजराइज्ड, एंड मैं वर्ड्स में डाल नहीं सकता हूँ इनको. बट थैंक यू फॉर, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर शावरिंग सो मच ब्लेसिंग एंड सपोर्ट एंड वोटिंग फॉर मी, एंड लाइक मैं आप लोग की वजह से सेमीफिनाले तक पहुँचा था. एंड thank you so much and keep supporting me. Thank you.